बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी इज विटामिन्स। यू मे से विटामिन और विटामिन, बट इट इज आल्सो करेक्ट विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली लिविंग थिंग्स। विद अ फ्यू एक्सेप्शन द बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर विटामिन्स। विटामिन्स शुड बी टेकन बाय द plant sources, these are the plant sources, as well as the animal sources, these are the animal sources. They must be supplied by the diet or in dietary supplement. We must take these food stuff in order to fulfill the need of our vitamins for the body. Or we may get it in a dietary supplement, in the tablet form, in the capsule form, in injectable form. Vitamins are essential to the normal functioning of our body. Without vitamins we can live, but our health will be dramatically affected. So therefore vitamin is necessary to maintain our health and sustain our life. Vitamins are divided into two broad categories, that is fat soluble vitamins, which is vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These are the fat soluble vitamins, while others are water soluble vitamins, for example vitamin C and B complex, vitamin B1, B2, B5, B6, B9, B12. These are all the water-soluble vitamins. These are water-soluble vitamins. These vitamins will be solved inside our body in the water. The source will be water. And adic vitamins, vitamin A, D, E, K, adic vitamins will be solved only in the fat. So let us discuss vitamin A first. Vitamin A is also known as retinol vitamin. Why it is called retinol vitamin? Because its participation in the function of retina of the eye. It enhances, it nourishes our retina of the eye. This vitamin also participates in the function of immune system. It enhances our immune system, promote our immune system, provoke our immune system, and helps in the growth and reproduction. It also helps in our growth, our body growth, development, and also in fertility. Fertility. Dietary deficiency of vitamin A causes vision problem. If there is deficiency of vitamin A in our body, what will be the effect? The effect will be night blindness. उर्दू में कहते हैं शबकूरी, शाम के बाद नज़र न आना, शाम के बाद नज़र में धुंधलाहट आना, नज़र कम होना, दैट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, और उर्दू में कहते हैं शबकूरी। वाइटामिन ए डिफिशेंसी आल्सो अफेक्ट ग्रोथ, हमारी नशोनुमा मुतासर करती हैं, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट स्लो करती हैं, दिमाग की जो हाफिज़ा है उसको कमज़ोर करती है, दिमाग की नशोनुमा नहीं होती। स्किन, हमारी हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। विटामिन ए हेल्प्स इन आवर इम्यून सिस्टम। इसके सोर्सेज क्या है? द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर एनिमल सोर्सेज, जानवरों से भी हम ले सकते हैं, एज वेल एज प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में इसकी मिसाल हम ले सकते हैं चिकन। चिकन इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। लिवर, जिगर, वो भी विटामिन ए की सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल ये एक ऑयल है जो कॉड लिवर एक फिश है उससे लेते हैं।
उसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन ए पाई जाती है कसरत से। एग्स जो है वो भी विटामिन ए से भरपूर होती हैं। बटर, मक्खन, ये भी विटामिन ए से भरपूर होती हैं। मिल्क भी विटामिन ए की एक गुड सोर्स है। सोर्सेज ऑफ प्लांट्स की मिसाल ले ले, स्वीट पोटैटो जिसे हम उर्दू में शकरकंदी कहते हैं। कैरेट्स की मिसाल ले ले, कैरेट इज़ ऑन द फर्स्ट कैटेगरी। कैरेट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए। आल्सो स्पेनिच, पालक साग, उर्दू में भी पालक साग कहते हैं। स्पेनिच इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगोज की मिसाल ले ले, मैंगोज इज आल्सो सोर्स ऑफ विटामिन ए। ऑरेंज भी टॉप कैटेगरी पे हैं। ग्रेपफ्रूट माल्टे का एक किस्म है। ये तमाम गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं एंड विटामिन ए इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर विजन, फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर इम्यून सिस्टम। विदाउट विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस विल अकर। शपकूरी, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी भी एक अहम विटामिन है और इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये है विटामिन सी और यहाँ जो एग्जांपल दी गई है वो है लेमन और ऑरेंज। दीज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। और दूसरी मिसाल दी गई है, ग्रेप्स की भी मिसाल दी गई है, ग्रेप्स में भी पाई जाती है। विटामिन सी जो है ये वाटर सोलेबल है। इससे पहले हमने पढ़ा विटामिन ए जो है वो फैट सोलेबल है। विटामिन सी क्या है? ये वाटर सोलेबल है। व्हेनेवर वी टेक विटामिन सी इन द फूड, इट इज डिजॉल्व्ड इन आवर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। द विटामिन सी इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी एंड इवेंचुअली इट इज यूरिनेटेड। फौरी ये हमारे जिस्म से यूरिनेट होती है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ये हमारे जिस्म से पेशाब के ज़रिए ये खारिज होंगी विटामिन सी। इसीलिए हम कहते हैं विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिशू। हमारी बॉडी जो टिशूज़ है बाफते हैं, उनकी नशोनुमाई करती है और उनकी मुरम्मत करती हैं। यानी जब कभी भी हमारे हाथ पर वूंड आती है, जिस्म पर वूंड आती है, तो वो वूंड हीलिंग करती है विटामिन सी। वूंड हीलिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विटामिन सी। इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक कॉलेजन। ये कॉलेजन भी बनाती है। कॉलेजन इज स्किन प्रोटीन, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। कॉलेजन इज फाउंड इन द स्किन, इन द कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स एंड द ब्लड वेसल्स। इन सारों में ये कॉलेजन पाई जाती है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर हीलिंग वूंड्स। वूंड्स भरने में, जख्म भरने में अहम किरदार अदा करती है। और अगर इसकी डिफिशेंसी आती है तो क्या होगा? ड्राइंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, बाल खुश्क होंगे और बाल जो है स्प्लिट होंगे, बाल जो है तो वो कमज़ोर होंगे, बाल गिरेंगे हेयर फॉल विला कर। इन्फ्लेमेशन, इसकी कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों से खून बहना, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी होगी। रफ, ड्राई एंड स्केली स्किन, हमारी जो जिल्द है वो खुरदरा होगी, सख्त होंगी, खुश्क होंगी। ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है, जब हम नहीं लेंगे, जब हमारे जिस्म इसकी डिफिशेंसी होगी। इसके अलावा क्या होगा? नोज़ ब्लीडिंग, जिसे उर्दू में हम कहते हैं नक्सीर, ये भी होगा। अ सीवियर फॉर्म ऑफ विटामिन सी डिफिशेंसी नोन एज स्कर्वी होती है।
और वाइटामिन सी जो है ये मैंने बताया कि ये सिट्रस फ्रूट में होती हैं, सिट्रस सिट्रस फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, यानी माल्टा, मेटा, संतरा, लेमन, ये तमाम जो है दीज आर द सिट्रस फ्रूट। स्ट्रॉबेरी में भी पाई जाती है, टोमेटो, कैबेज, गुआवा, ब्रोकली, दिस इज़ द ब्रोकली, ये देखिए ब्रोकली की मिसाल है ये। सो विटामिन ए इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर स्किन, आवर टेंडन, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स एंड वूंड हीलिंग, फॉर आवर हेल्दी स्किन। इसके बाद है विटामिन डी, मैंने पहले ही बताया विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है, यानी चर्बी में हल पजीर है। और इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जब हम कैल्शियम लेते हैं यानी दूध, वेन एवर वी टेक मिल्क, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय द विटामिन डी। आल्सो मेक्स अवर बोन स्ट्रॉन्ग, द अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन स्ट्राइक ऑन आवर स्किन एंड ट्रिगर्स विटामिन डी सिंथेसिस। सूरज की शुआएं हमारे स्किन पर पड़ती है और स्किन के अंदर जो है जिल्द, स्किन के अंदर जो है वो सबक्यूटेनियस होती है, क्या कहते हैं उर्दू में, सबक्यूटेनियस चर्बी, यस। तो उस चर्बी में विटामिन डी बनती है और यही विटामिन डी जो है इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी बोन्स, हमारी हड्डियों को ये मजबूत बनाती हैं। आल्सो हेल्दी टीथ, इट आल्सो मेक्स आवर आवर मेटाबॉलिज्म एनहांसेस एंड आल्सो मेक्स अस इन गुड मूड। अगर इसकी कमी होती तो क्या होगा, ब्रिटल एंड सॉफ्ट बोन, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, बीमारी होंगी, कौन सी बच्चों को बीमारी लगती है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, वीक बोन्स होते हैं, पाँव जो है वो पाँव की जो हड्डियाँ होती हैं, टीबिया और फेबुला, टीबिया और फेबुला जो है उसमें कर्व लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, यानी टीबिया और फेबुला जो है उसमें टेढ़ापन आ जाती है। दिस इज़ द काज ऑफ विटामिन डी डिफिशेंसी। और आसानी से फ्रैक्चर होती है, हड्डी आसानी से टूटती हैं। इसके सोर्सेस क्या है, कॉड लेवर ऑयल इसकी सोर्स है, एग योक इसकी सोर्स है, ब्रेड भी, फोर्टिफाइड ब्रेड, फोर्टिफाइड ब्रेड मीन यानी वो ब्रेड जिसमें न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड की गई होते हैं, चीज़ इसकी एक मिसाल है, चीज़ चीज़ में भी विटामिन डी पाई जाती हैं। इसके बाद है मिनरल्स, मिनरल्स को उर्दू में हम मादिनियात कहते हैं, मिनरल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द अर्थ, मिनरल इज टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉयल एंड वी गेट मिनरल फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस, आल्सो वी गेट मिनरल फ्रॉम द एनिमल सोर्स, बट मोस्टली इट इज फाउंड इन द प्लांट सोर्सेस। और इसकी मिसाल है सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर, दीज आर ऑल द मिनरल्स, ये तमाम मिनरल्स हैं। और इसके अलावा भी और कई मिसालें हो सकती है, जिस तरह आयरन है, जिंक है, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, ये तमाम भी मिनरल्स कहलाते हैं, मादिनियात, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का किरदार, कैल्शियम जिसे शॉर्टली हम कहते हैं सी ए, इसकी सिंबल है सी ए, और कैल्शियम जो है ये एक मिनरल है। कैल्शियम इज़ मोस्टली फाउंड इन द मिल्क, मिल्क में ज़्यादातर पाई जाती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, कैल्शियम जो है इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द इन आवर बोन्स, एबंडेंटली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, उसको मुस्तहकम बनाती है। कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर टूथ फॉर्मेशन, दांत मजबूत रखती है।
कैल्शियम हैव आल्सो अ रोल इन ब्लड क्लाटिंग. जब जख्म आती है, खून बहता है, तो ब्लड क्लाटिंग करती है. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी आसाबी निज़ाम है उसमें पैगामात की तरसील ये करती है कैल्शियम. मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हमारी मसल में जो स्ट्रेंथ होती है ये भी कैल्शियम की वजह से है. इसी तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म है उसमें भी कैल्शियम का एक अहम रोल है. इसकी मिसाल क्या होगी? डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स मीन यानी दूध और दूध से बनी जो अशिया होते हैं, मिल्क है, चीज़ है, इसी तरह योगर्ट है, कर्ड है, ये तमाम. इसके अलावा एग्स में भी पाई जाती है, आल्सो फाउंड इन द एग्स, इन द लिग्यूम्स, नट्स में. ये लिग्यूम्स है, दीज आर द लिग्यूम्स, पी प्लांट, पी नट्स, बीन, ये तमाम लिग्यूम्स कहलाते हैं. नट्स में भी पाई जाती हैं. सो कैल्शियम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मसल स्ट्रेंथ, आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आवर ब्रेन एक्टिविटी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इसके बाद है आयरन. आयरन को उर्दू में हम कहते हैं फौलाद. फौलाद जो है वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फौलाद को हम कहते हैं वाइटामिन बी सिक्स. ये वाइटामिन बी सिक्स जो है ये फौलाद है, और ये हमारी खून बनाती है और एच बी लेवल ये मेंटेन रखती है, हेमोग्लोबिन. आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इट इज़ द पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. इट हेल्प्स इन द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. आयरन आल्सो हेल्प इन इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. मेन सोर्स इसकी क्या है? इसकी मेन सोर्स है रेड मीट. रेड मीट इसकी मिसाल है. इसके अलावा फिश. फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. बीन्स है, फिशेस है, बीन्स है, ड्राइड फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल. एप्पल इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. इसके बाद है डाइटरी फाइबर, यानी खुराक में जो रेशा होता है, इसको हम रफेज भी कहते हैं. रफेज, डाइटरी फाइबर आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज रफेज. बल्क भी कहते हैं. बल्क ये एक हजम बनाती है हमारे जिस्म में, हमारी आंतों में, मैदे में एक हजम बनाती है. डाइटरी फाइबर की मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है सादा जो रोटी होती है, उस ये मिसाल है चावल है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स के जो छलके होते हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल के ऊपर जो छलका होता है वो भी एक फाइबर है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर है. इसके अलावा ब्रांड ले ले, ब्रांड जैसे कहते हैं वीट, वीट वीट ले ले, ग्रेन्स ले ले, जितनी भी लेग्यूम्स है ये भी डाइटरी फाइबर है. और इसका काम क्या है? इसका काम ये है टू एनहांसेस आवर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. हमारी जो मैदे की हरकत है और आंतों की हरकत है उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये तेज़ करती है, और खून के अंदर जो चर्बी होती है उसको ये कम रखती है, मेंटेन रखती है. सो फाइबर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. इसके बाद है वाटर, पानी. आप लोग ये जानते हैं वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा पानी की मकदार है, 70% से भी ज़्यादा है. 70-90% ऑफ द होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. तो पानी जो है ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है जिस्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म करती है. इसके अलावा जो है हमारे ब्लड में भी जो है वो वाटर पाई जाती है. 55% जो है वो हमारे ब्लड में वाटर है. हम कहते हैं ना ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. तो प्लाज्मा जो है वो 55% है. प्लाज्मा है क्या चीज़? वाटर है. इसके अलावा इसका क्या क्या काम है? हमारी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है, ये भी पानी की वजह से हैं. वाटर जो है इट इज़ अ गुड स्टेबलाइजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हमारी जिस्म की दर्जा हरारत को ये नॉर्मल रखती है, और जिस्म से गर्माइश जो है वो ख़त्म करती है. वाटर जो है एज ए लुब्रिकेंट भी हमारे जिस्म में एक्ट करती है. लुब्रिकेंट यानी हमारे जो जोड़ों के अंदर जो पानी होते हैं जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी ज़्यादातर
क्या है, वाटर है और इसी तरह लिपिड्स हैं। हमारी म्यूकस में ब्रेन जो है उसमें म्यूकस बनती है, ये म्यूकस जो है ये भी पानी से बनता है। वाटर जो है ये हमारे जिस्म से टॉक्सिक मटेरियल ख़त्म करती है, यानी हमारे जो गुर्दे हैं वो पेशाब बनाती है और पेशाब में मुज़र मादे होते हैं, यानी फजलात होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये तमाम जो है ये फालतू मवाद हैं, ये हमारे गुर्दे इसको साफ करती है। सो वाटर इज़ अ फ्लशिंग मीडियम टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, वाटर, एंड आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट।